हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूं इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूं और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूं। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी तक 3 लेक्चर में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन को हमने देख लिया है। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और सीधे अपने लेक्चर पे आते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करेंगे एक क्विज से। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा क्विज से और यहाँ पे जो क्विज है, जैसे कि देख के ही पता चल रहा है कि ये जो क्विज है या फिर ये जो सवाल है या ये जो रिएक्शन है वो है किसका, कैनिज़ेरो रिएक्शन का। आपको बताना है कि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या होगा। केवल आपको एंड प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि जब हम लोग बेंजल डिहाइड को 50% NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, इस वाले एल्डिहाइड को टर्शरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लायोक्सल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सल को 50% NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर आपको कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों दिख रहा है, इसको अगर ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। और नीचे दो है वो आपको है, 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक है बेंजल डिहाइड का और दूसरा है फॉर्मल डिहाइड का। दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों मॉलिक्यूल जो है वो कैनिज़ेरो रिएक्शन को शो करेगा। आपको बताना है कि बेंजल डिहाइड और फॉर्मल डिहाइड को जब हम लोग 50% NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो एंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और इन 5 सवाल को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। जल्दी से इन सवालों को फोकस करिए और जल्दी से अपनी कॉपी पे सवाल लिख डालिए। कॉपी तो आपकी रेडी होगी पेन के साथ, और सवाल लिख डालिए और कुछ ना कुछ इसका आंसर लिखिए, गलत ही सही पर लिखिए ज़रूर, मेहनत ज़रूर करिए क्योंकि मेहनत करने वालों की ही जीत होती है और जो मेहनत नहीं करते हैं वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप भी मेहनती बच्चों में से आते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए, 2 मिनट का समय, करते रहिए, करिए अपने लेवल पे ट्राई करिए। तो देखिए यहां पर इसका पहला आंसर हो जाएगा C6H5CH2OH प्राइमरी अल्कोहल और प्लस C6H5COONA, Na पे आप प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर गया बेंजोएट आयन में और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस कर गया अल्कोहल मॉलिक्यूल में। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ को अप्लाई करना है। जैसे कि CH3 thrice तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर C रहेगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल जो कि रिडक्शन प्रोडक्ट है और दूसरा हो जाएगा CH3 thrice, फिर C O O माइनस और Na+। सॉल्ट ग्लायोक्सल में इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा। क्या होगा बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा पार्ट रिड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2OH और यहाँ पे बन जाएगा COO-Na+। दैट विल बी द प्रोडक्ट, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा और एक रिड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे भी आपका इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा। और जब इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है, सॉरी इसको मैंने फालतू का बना दिया, तो
तो ये हो जाएगा आपका सी एच ओ एच, ये रिड्यूस कर गया और यहाँ पे बन जाएगा सी एच ओ, है ना, तो सी ओ ओ माइनस एन ए प्लस ये बन जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, डेट विल गेट रिड्यूस्ड, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, दैट विल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो छोटा वाला मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और बड़ा वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी एच टू ओ एच, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एच सी ओ ओ माइनस एन ए। जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ पर आंसर, नोट इट डाउन प्लीज। ये आपका हो गया क्विज जो कि कल के कॉन्सेप्ट पर आधारित था, और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इनफैक्ट कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन के सारे कॉन्सेप्ट को, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, चार लेक्चर में क्या हो सकता है, पर चार लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे, ताकि अगर इसके आधार पर कोई सवाल आता है कंपटीशन या फिर बोर्ड में, तो आप उसको करने के लिए एकदम रेडी रहें। नोटेड, ओके, बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये है लिखिएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम बोर्ड की बात करें, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन तो कभी ना कभी तो पूछता ही पूछता है, बहुत ही फेमस सा होता है हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म में ही मल्टीपल वेराइटीज़ हो जाते हैं, जैसे कि अगर हेलोजन आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ज़्यादातर हम लोग देखने को मिलता है, या ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, या क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, या फ्लोरीन तो होता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन के लिए, तो या तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या तो ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, या तो आयोडोफॉर्म हो सकता है, पर ज़्यादातर होता है आयोडोफॉर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है सी एच आई थ्री, दैट इज रिटन एज सी एच आई थ्री, दैट इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है दैट इज ऑफ येल्लो कलर, येल्लो प्रेसिपिटेट का होता है, किसका होता है, येल्लो प्रेसिपिटेट का होता है। आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ही शो करता है, और ऐसा ग्रुप शो करेगा जिसके पास या तो ये वाला पार्ट हो या तो ये वाला पार्ट हो, मतलब कि एसिटिल ग्रुप हो या फिर सेकेंडरी एल्कोहल हो, क्या हो बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल हो, एसिटिल और सेकेंडरी एल्कोहल, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप की वजह से ही यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, और इसको हम लोग किसके के साथ ट्रीट करते हैं, व्हेन रिएक्टेड विथ हेलोजन एंड एल्कली, मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा पार्ट दिख गया या किसी मॉलिक्यूल में ऐसा पार्ट दिख गया, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल को हेलोजन और एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म का रिएक्शन बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, हेलोफॉर्म का रिएक्शन बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ये है, यहाँ पे R जो है कुछ भी हो सकता है, R जो है H हो सकता है या फिर एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, और इसको हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब हेलोजन और एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ये हेलोजिनेटेड मॉलिक्यूल, मतलब कि यहाँ पे जो सी एस थ्री है, तीनों हाइड्रोजन जो है वो हेलोजिनेट कर जाता है और यहाँ पे हमें हेलोजिनेटेड मॉलिक्यूल बनता है, ये इंटरमीडिएट है, क्या है बेटा, ये इंटरमीडिएट है जो कि अगर कंडीशन मिल जाए तो ये तुरंत रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट में चेंज कर जाता है, और वो क्या है, एक्सेस ऑफ NaOH है, मतलब कि अगर हमने बीकर में या फिर हमने रिएक्टिंग मिक्सचर में ढेर सारा NaOH ले लिया, तो जो ये आपका हेलोजिनेटेड इंटरमीडिएट है वो तुरंत NaOH के साथ रिएक्ट करके बना देगा क्या, CHX3, एंड दिस CHX3 इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलोफॉर्म का नाम देते हैं।
और आर सी ओ ओ एन ए का फॉर्मेशन होता है, आर सी ओ ओ एन ए का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक चीज़ ये होता है, कभी कभी हम लोग हैलोजन और एल्कली का यूज़ करते हैं, कभी कभी रिएक्शन में हैलोजन और एल्कली लिखा नहीं रहता है, वहाँ पर कुछ और चीज़ दिया रहता है, अगर वो भी दिया है तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी यहाँ पर हैलोजन और एल्कली एक्स टू प्लस एन ए ओ एच का यूज़ करते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एन ए ओ एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोहैलाइट। इनफैक्ट इस रिएक्शन में जो एक्चुअल रिएक्टिंग मिक्सचर है वो सोडियम हाइपोहैलाइट है। और सोडियम हाइपोहैलाइट बनता कैसे है, सोडियम हाइपोहैलाइट बनता है NaOH और X2 के रिएक्शन के साथ। जब NaOH और X2 रिएक्ट करता है तो तभी हमें मिलता है NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट, और यही है NaOX जो है वो रिएक्ट करता है किससे, यहाँ पर देख रहे हैं, तो NaOX जो है यहाँ पर आपका इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हेलोजिनेट करता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हेलोफॉर्म रिएक्शन, प्लीज़ नोट इट डाउन फास्ट। ओके, सी एच एक्स थ्री एंड आर सी ओ ओ एन, सी एच एक्स थ्री एंड आर सी ओ ओ एन एम। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें केवल वही पार्ट देखना है जो हमारे काम का है, मतलब कि रिएक्टेंट आपको दे दिया जाए, आपसे से केवल प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, रिएक्टेंट आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि हैलोजन और NaOH के साथ रिएक्ट करिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है CHX3 और RCOONH। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी पर क्विज करते हैं, और क्विज ये है, जल्दी से इन तीनों का आंसर लिखिए कि यहां पर तीनों का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस थ्री, दैट इज द केस ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो प्रेसिपिटेट, दो मिनट का समय देते हैं, जल्दी से इसका आंसर लिखिएगा, और पीछे जो मैंने आपको लिखवाया है उसको देख के करिएगा, आपको हिंट, आपको आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। कोशिश करिए बच्चा लोग, जैसे कि आपको क्या करना है ना, हिंट देखिएगा, आयोडीन जो है या NaOI जो है यहाँ पर हेलोजन को हेलोजिनेट करेगा, तो जब इसको हेलोजिनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ना है, और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को हटाना है, तीनों हाइड्रोजन को किससे हटाना है, तीनों हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे आयोडीन से, और तीन आयोडीन लगाएंगे तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को भी लगाना नहीं भूलेंगे, तो ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। ये कौन से कलर का होता है, दैट इज ऑफ येल्लो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे येल्लो प्रेसिपिटेट बना, प्लस अब बाकी जो है सब ऑक्सीडाइज करेगा, CH3CO है तो CH3COONA का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COONA। देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया, यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच को हम लोग तोड़ेंगे,
और जब तोड़ेंगे तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करना है, तो बन जाएगा यहाँ पे CHI3, क्या बनेगा CHI3, और ये भी आपका येलो प्रेसिपिटेट का होगा, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा CHO है, हाइड्रोजन है, एल्किल ग्रुप अब नहीं है, हाइड्रोजन है, तो इस केस में बन जाएगा SCOO- और Na+, हो गया काम। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी आपको इसको तोड़ना है, जब इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा CHI3, क्या बन जाएगा CHI3, और बाकी पार्ट जो है आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो बनाएगा CH3COONA, वेरी गुड, बन गया आंसर, हो गया COONA, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, बढ़िया। बस आपको क्या करना है ना, ट्रिक देखना है, ट्रिक कि क्या हो रहा है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे बन रहा है, क्योंकि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बस एक ही बार देखना था, और ज़्यादा बार बार हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नहीं सोचना है, हमें अल्टीमेटली हमें शॉर्टकट अपनाना है कि किस शॉर्टकट से हमारा आंसर एकदम सही सही हो जाए, वेरी गुड। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखते हैं कि और क्या है, और सब क्विज ही है और बड़ा दिलचस्प क्विज है। अब जैसे कि कुछ बेसिक बेसिक रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के, और इनका आपको रिएक्शन लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे केवल रिएक्शन लिखना है। CH3CH2CHO, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, यहाँ पे ये जो है आपका पैलेडियम है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये पैलेडियम है, ठीक है, LiLH4 है, ये मॉलिक्यूल है, हमने LiLH4 के साथ रिएक्ट कर दिया, ये मॉलिक्यूल को हमने NaBH4 के साथ रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे जिंक मरकरी एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl ले लिया है, और यहाँ पे CH3CHO और हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हमने ले लिया है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, आपको बताना है कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होगा। ये रिएक्शन जो है ना, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पेज पर, कहीं ना किसी ना किसी किताब पर पढ़ा होगा, और आपको याद भी हो रहा कि अच्छा ये रिएक्शन कुछ जाना पहचाना सा है, मैंने इसको पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, याद करिए, क्योंकि अभी तक देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात यही है कि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख जाती है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इसकी बात करें, ये जो रिएक्शन है आपको एल्केन में देखने को मिला होगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में क्लास 11th एल्केन में ये आता है, और सेम रिएक्शन जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन में आ रहा है, क्योंकि एल्केन का ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मिक्स कर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कभी कभी स्किप कर देते हैं कि बच्चा जो है हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, पर हमें क्या पता कि आप हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इसलिए हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं कि ये भी एक रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनफैक्ट ऑल दी फाइव आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जल्दी से पांचों का आंसर बताइएगा कि क्या क्या होगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पांचों का आंसर क्या होगा, आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है, जल्दी बी फास्ट, शो योर स्ट्रेंथ एंड शो योर कॉन्सेप्ट, जल्दी से। पहला वाला रिडक्शन रिएक्शन है बेटा, और यहाँ पे हमने निकल प्लैटिनम पैलेडियम लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस कर देता है, कुछ को भी नहीं छोड़ता है, ये बोलता है निकल या प्लैटिनम पैलेडियम बोलता है कि हम सबको रिड्यूस करेंगे, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हम सबको रिड्यूस करेंगे,
और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा किस में, एल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CH2OH, रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा वाला देखिए, ये भी आपका रिडक्शन रिएक्शन है और हमने यहां पे लिया है LiAlH4। क्या लिया है बेटा? LiAlH4। LiAlH4 और NaBH4 दोनों लगभग सेम सेम काम करते हैं, पर NaBH4 LiAlH4 से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है। पर ये देखा जाता है कि LiAlH4 उतना भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दे। किसको बेटा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दे। वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छूता भी नहीं है और केवल किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CHOH हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर है कीटोन। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल देता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और LiAlH4 डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करता है, मतलब कि इससे बहुत ही कमज़ोर है। अगर हम NaBH4 की बात करें तो NaBH4 भी कुछ हद तक LiAlH4 का भी काम करता है और कभी कभी हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम का भी काम करता है। अगर कंपेयर किया जाए ना तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यहाँ पे सबसे अच्छा रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड को भी करेगा और फंक्शनल ग्रुप को भी करेगा। ये जो है रिडक्शन करता है पर उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करता है, केवल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। पर NaBH4 जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, ये कभी इसकी तरह भी काम करता है, कभी इसकी तरह भी काम करता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला, डबल बॉन्ड को ये टच ही नहीं किया और यहाँ पे बन गया OH। क्या बन गया? OH। और प्लस यहाँ पर कभी कभी ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर जाए और ये बन जाए क्या, सॉरी रिड्यूस कर जाए, तो रिड्यूस कर जाए और ये बन जाए क्या, OH। दोनों का फॉर्मेशन होता है, दोनों का फॉर्मेशन होता है, बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। याद रखिएगा, ये बड़ा टिपिकल सा बात होता है, कभी कभी ये होता है कि LiAlH4 और NaBH4 में कौन सबसे अच्छा है, तो हम लोग बोलते हैं LiAlH4 इज मच बेटर देन NaBH4, क्योंकि LiAlH4 में केवल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और NaBH4 दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। याद रख लीजिए, आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है, इनफैक्ट डायरेक्टली भी पूछ सकता है या फिर इनडायरेक्टली, हम तो देखते हैं कि ज़्यादातर ये इनडायरेक्टली यूज़ करता है। बाद में हमने आपको पहला दूसरा तीसरा बता दिया, बताइए चौथा और पांचवा क्या है, जल्दी से बताइए चौथा और पांचवा क्या है। बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सा रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चौथा और पांचवा। सीधे रिएक्शन का नाम भी पूछ देता है या फिर रिएक्शन को कराने के लिए बोल सकता है। देखिए याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ किशनर रिडक्शन, लिख लीजिए। ये आपका है क्लेमेंसन रिडक्शन, बच्चों को याद हो गया कि अच्छा ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है और क्लास 11th में ही पढ़ा है, और इसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ किशनर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में चेंज करता है, याद कर लीजिए कि अगर क्लेमेंसन रिडक्शन आ गया, क्लेमेंसन रिडक्शन में
रिएजेंट क्या होता है? जिंक, मरकरी, एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl का हम लोग यूज करते हैं, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा CH3, CHO को CH3 में कन्वर्ट कर देगा। और वुल्फ किशनर रिडक्शन यहाँ पे भी आपको बन जाएगा क्या? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, 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 CH3। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। नोट इट डाउन प्लीज, और इसको स्टार मार्क बना लीजिएगा। दिस इज द स्टार मार्क और दिस इज ऑल्सो द स्टार मार्क। पूछा जा सकता है, वेरी मच प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर कमिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा, बोल बच्चा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है। देखिए आज के लेक्चर में हम बस रिएक्शन को ही आपको बताएंगे, क्योंकि हमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाना है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पूछा हुआ सवाल है, इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है। पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोलोन कैसे बनता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के पहले पिनाकोल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, पिनाकोल का फॉर्मेशन होता है कीटोन, कीटोन का दो मॉलिक्यूल लेंगे और प्लस यहां पे हम लोग लेंगे क्या, मैग्नीशियम और मरकरी का मिक्सचर लेंगे, और प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं बेंजीन सॉल्वेंट। तो बेंजीन का सॉल्वेंट लेते हैं और इस बेंजीन के सॉल्वेंट में हम लोग एसीटोन का, सॉरी कीटोन का दो मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको मैग्नीशियम और मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम सिंपलेस्ट कीटोन की बात करते हैं, नाम आता है एसीटोन। तो एसीटोन का दो मॉलिक्यूल हम अपने हिसाब से बनाते हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, एसीटोन का दो मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा CH3, CCH3, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड O कर दिया, प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, और ये हो गया CH3। दो मॉलिक्यूल को हम लोग आपस में फ्यूज़ करते हैं, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये भी आपका कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह काम करता है। और इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं किससे, मैग्नीशियम प्लस मरकरी के मिक्सचर के साथ, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन सॉल्वेंट। क्या लेते हैं बेटा, बेंजीन सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। जब बेंजीन सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है, एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो एडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। एडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, और यहाँ पर Mg हो जाएगा। दैट इज द एडक्ट फॉर्मेशन। इसी एडक्ट को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, H2O के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, और जब हाइड्रोलाइज करते हैं देन वी गेट पिनाकोल। तो हमें मिल जाता है पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपके पास एल्किल ग्रुप हो और 1-2 पोजीशन पर या फिर 2-3 पोजीशन पर OH का फॉर्मेशन हो, विसिनल डाईऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज केस ऑफ विसिनल डाईऑल, और प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो अलग से निकलेगा ही निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोल, इसी को हम लोग नाम देते हैं पिनाकोल।
बाद में ये पिनाकोल जो है अपने आप रीअरेंज करता है, बस इसको एच प्लस आयन चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पर, एच प्लस आयन के साथ यहाँ पर हीट करना पड़ता है, तो ये रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट CH3C, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड दिस कम CH3 एंड दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोलोन, दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोलोन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन। लिख लीजिएगा, पहले रिएक्शन को लिख लीजिए, फिर मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट कैसे होता है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए बच्चा, जल्दी से, एक मिनट का समय देते हैं, जल्दी से नोट करिए, टाइम बड़ा कम बचा हुआ है। बोलिए बच्चा, लिख लिया, दिस इज कॉल्ड एज एडक्टर, ये आपका एक एडक्ट है, ओके। रीअरेंजमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होता है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसको हम मिटाते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, जैसे कि जो पिनाकोल बना था वो पिनाकोलोन में कैसे चेंज करता है, पिनाकोल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं, पिनाकोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ये OH था, फिर CH3, जब यहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं H+, तो H+ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और दोनों OH में से किसी एक OH पे जाकर ये अटैक करता है, और जब अटैक करेगा या प्रोटोनेट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, और जब प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट लिख दिया, OH2+ हो जाएगा और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे जो है H2O जो है ये पूरी तरीके से निकलेगा, और जब ये पूरी तरीके से निकलेगा तो ये वाटर का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन पार्ट होगा, और जब डिहाइड्रेशन पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटायन, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन को हमने ऐसे शो कर दिया। फिर यहाँ पे कार्बोकटायन जब बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2-methyl शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल फॉलो द 1,2-methyl शिफ्ट, और जब यहाँ पे 1,2-methyl शिफ्ट होगा तो ये वाला CH3 जो है ये पूरी तरीके से निकल के इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 कार्बन, फिर CH3, फिर यहाँ पे भी CH3, फिर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर OH हो जाएगा, OH जो है कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 कार्बन, CH3 नीचे भी CH3, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हो गया आपका CH3, फिर यहाँ पे H+ आयन का रिमूवल होगा, H+ आयन का रिमूवल हमने गलत तरीके से दिखा दिया है, हमें इस तरीके से दिखाना है, H+ आयन का रिमूवल होगा, और जब ये डी प्रोटोनेशन होगा, क्या बेटा, डी
प्रोटोनेशन होगा, तो डी प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे बन जाएगा पिनाकोलोन। क्या बनेगा बेटा? पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से पिनाकोल जो है पिनाकोलोन में कन्वर्ट करेगा। दिस इज हाउ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। लिख लीजिएगा यहाँ पर हेडिंग, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। हेडिंग लिखिएगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिछला वाला था पिनाकोल पिनाकोलोन फॉर्मेशन और ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नोट इट डाउन प्लीज, एक मिनट का समय देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। जैसे कि जब हम रिएक्शन को देखते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप है उसको जब RMGX के साथ रिएक्ट कराते हैं और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? दिस विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया ये, यहाँ पे हमने ले लेते हैं R ले लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया R डैश और यहाँ पे हमने ले लिया क्या R डबल डैश MgX ले लिया, R डबल डैश MgX ले लिया। तो आपको बताया कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एल्किल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये आपका जाएगा इस पर और साइमल्टेनियसली यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर ऑक्सीजन पर चला जाएगा। जब ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका RCO पे नेगेटिव हो जाएगा और प्लस यहाँ पे R डैश हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R डबल डैश और यहाँ पे O पे नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा MgX आ जाएगा। क्या आ जाएगा? MgX आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे और जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्या बन जाएगा बेटा? अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल के साथ साथ आपको मैग्नीशियम का एक्स और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस। तो सिंपल सा केस है ये, वेरी वेरी सिंपल केस। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी वर्सेटाइल रिएजेंट और इसका इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट हम कुछ भी बना सकते हैं, ऑलमोस्ट हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको एल्केन बनाना है तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना, अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना, अगर आपको कीटोन एल्डिहाइड बनाना है तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना, अगर आपको हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना। इनफैक्ट हर चीज़ के लिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना। तो इसीलिए विक्टर ग्रिग्नर्ड दैट साइंटिस्ट हु फॉर्म्ड द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वॉज ए क्रेडिटेड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबल प्राइज इनको मिला था, विक्टर ग्रिग्नर्ड, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा है। नोट इट डाउन प्लीज। चलिए लेट्स मूव टू सम क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट क्विज। ये है, बताइए यहाँ पे चारों का एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर RMGX। हमने यहाँ पर केवल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया RMGX। बताइए यहाँ पर क्या बनेगा RMGX? व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट बताएंगे क्या बनेगा। यहाँ पे चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट लिखिए। पहले फॉर्मल्डिहाइड है, फिर एसिटल्डिहाइड है, फिर एसीटोन है और फिर एक और कंपाउंड है और सबको हमने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया है। सब में हमने कॉमन लिया है CH3MgBr। अगर आपका मन करता है तो यहाँ पर RMGX की जगह CH3MgBr ले सकते हैं। यहाँ पे आप CH3MgBr
बी आर ले सकते हैं। बताइए यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या होगा। ओके बढ़िया, जल्दी पहला, दूसरा, तीसरा तो बड़ा सिंपल टाइप का है, पर चौथा जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, जो कि आपको बताएगा एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले बताइए, पहले में कौन सा अल्कोहल बनेगा, दूसरे में कौन सा अल्कोहल बनेगा, तीसरे में कौन सा अल्कोहल बनेगा, और अल्टीमेटली अंत में आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा। बड़ा सिंपल सा ये प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा SCHO है और यहाँ पे CH3 है। आपको पता है कि CH3 जो है वो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ता है, तो हमने देखे क्या करते हैं, H लिखा है, C लिखा है और ये H हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं, ये आपका CH3 है, CH3 किससे जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, तो हमने यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया। अब जब यहाँ पे हमने CH3 को जोड़ दिया तो यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड हो नहीं सकता है, तो हमें एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, और एक बॉन्ड किसका हटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का। अब कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हट गया है तो ऑक्सीजन का अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एच के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे बन गया आपका कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, दिस विल गिव द प्राइमरी अल्कोहल। बस सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाइए, CH3CHO। देखिए बड़ा सिंपल सा है, CH3CHO हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पे CHO। यहाँ पर क्या है, CH3MgBr एल्किल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ेगा, तो हमने यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया। CH3 को जोड़ने के बाद यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड हटा दिया, एक बॉन्ड हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और जब हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेम काम यहाँ पे करेंगे, जब सेम काम यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बनेगा। मुझे लगता है कि बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे सर और कोई नहीं, यहाँ पे आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, ऐसे अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और कीटोन हमेशा टर्शरी अल्कोहल देगा। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये है कि बच्चे परेशान हैं कि सर आखिरी वाला क्या होगा, बताइए व्हाट विल बी द लास्ट प्रोडक्ट, आखिरी में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको ट्राई करिए। एक मिनट का आपको समय देते हैं और उस एक मिनट के समय में आप जवाब लिख डालिए। देखिए अंतिम वाला देखिएगा, अंतिम वाला थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, और इसको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं कि मैकेनिज्म के साथ क्या क्या होता है। यहाँ पर अंतिम वाले में बात करें तो यहाँ पर आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर है CH2CH2, फिर यहाँ पे CH2, और ये क्या है आपका Br है। इसको जब हम लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CH3MgBr के साथ, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा CH3C, यहाँ पर O MgBr हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ गया CH3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ पे हो गया Br। अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव फॉर्म है वो काम करता है बेस की तरह। किसकी तरह ये काम करेगा, ये काम कर जाएगा
बेस की तरह, और जब ये बेस की तरह काम करेगा तो ये आपका सॉरी बेस की तरह नहीं, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहाँ पर इस कार्बन पर जाकर ये अटैक करेगा। किस पर? इस कार्बन पर जाके ये अटैक करेगा। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसका पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब यहाँ पे पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा साइक्लिक ईथर कैसे बनता है, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन, इस पर आपका दो CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा दो CH3 कार्बन, और इस कार्बन के साथ है क्या बेटा, ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन को शो कर दिया। ऑक्सीजन जो है एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कार्बन इनफैक्ट CH2 लिख दिया, CH2। बाद में यहाँ पे दो कार्बन और बीच में है, तो हमने दो कार्बन और बीच में लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक कार्बन ये हो जाएगा CH2, और एक कार्बन ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा MgBr2, दैट विल गिव MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर, यहाँ पे साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो O- है वो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अच्छा, बेस यहाँ पे हटा देते हैं, बेस की तरह नहीं काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग सेंटर। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग सेंटर नोट कर लीजिएगा, एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग सेंटर। तो ये हो गया आज का लेक्चर, इनफैक्ट टाइम ओवर हो गया है, तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। पर कुछ छोटी छोटी बातें जो है अभी भी बच गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात था, इनफैक्ट उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे जो है लेबोरेटरी में या फिर प्रैक्टिकल में इसको करते ही करते हैं, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको तीन टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट, और तीसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट। तीनों टेस्ट के बारे में आप अपने से पढ़ लीजिएगा, अपने से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, भूलिएगा मत बेटा। और टॉलेंस टेस्ट में रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग जो होता है वो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग ए फेलिंग बी, फेलिंग ए में क्या होता है फेलिंग बी में क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है या फिर प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग ए, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग बी। उसी तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो भी दो तरह का होता है, बेनेडिक्ट 1 एंड बेनेडिक्ट 2, दोनों का कंपोजिशन आपको याद करना चाहिए। तीनों जो है, चाहे हम टॉलेंस की बात करें, चाहे हम बेनेडिक्ट की बात करें, चाहे हम फेलिंग की बात करें, तीनों जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करता है। टॉलेंस वाला थोड़ा सा हाई ऑक्सीडेशन को शो करता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और फेलिंग और बेनेडिक्ट हल्का सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक बार ये भी पूछ देता है कि टॉलेंस जो है वो एल्डिहाइड में आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, पर फेलिंग और बेनेडिक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता है, तो बिकॉज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि टॉलेंस जो है वो थोड़ा सा हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये आप देख लीजिएगा, और आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और पढ़ाई करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे सफलता उतनी अच्छी मिलेगी, ठीक है? तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बने रहिए।